टीवी सीरियल पिशाचनी में रॉकी के दादू ने चुराया पिशाचनी का बॉक्स। वो उस बॉक्स को जंगल की तरफ ले जाते हैं और उसके ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या करते हैं। उधर पिशाचनी पवित्रा के ऊपर जैसे ही वार करने लगती है, तभी पिशाचनी पर उसका असर होने लगता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और रॉकी के दादू जैसे ही उस बॉक्स को फेंकते हैं, तभी वहाँ पर पिशाचनी आकर उस बॉक्स को कैच कर लेती है। उधर दूसरी ओर रॉकी की बहन के फेरे हो रहे होते हैं और सभी घर वाले ये पूछने लगते हैं कि आखिरकार दादू है कहाँ, क्योंकि मुहूर्त का समय निकल रहा होता है तो उनके बेटे उनको देखने के लिए जाते हैं। वही पवित्रा भी दादू को ढूंढने लग जाती है। उधर पिशाचनी दादू पर वार कर देती है और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। समय के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो उन्हें कुछ आवाज़ आती है, तो वो देखते हैं कि संदूक अपने आप जा रहा होता है और वहीं पर पिशाचनी खड़ी होती है और कहती है अब तो हम बरेली जाकर ही रहेंगे। उसके बाद दादू वहां से भागते भागते आकर वही मंडप में गिर जाते हैं जहां उनकी पोती की शादी हो रही होती है। पिशाचनी ने उनका हाल बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि उन्हें बोलने लायक बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये देखकर पवित्रा परेशान हो जाती है और मन में अंदाज़ा लगाती है कि कहीं दादू ने झूमर से संदूक को निकालकर पिशाचनी को कैद तो नहीं करना चाहा और पिशाचनी कैद ना हो पाई हो। उसके बाद पवित्रा ऊपर जाती है और वहाँ से एक दुपट्टा उसको दिखाई देता है और याद आता है कि रॉकी की बहन ये बात कर रही थी कि ये दुपट्टा उस पिशाचनी का है। तो वो उस दुपट्टे को जैसे ही देखती है वो उड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगता है। तभी पवित्रा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो दुपट्टा जाकर पेड़ पर लटक जाता है और पवित्रा को याद आता है कि एक डायरी में लिखा था कि पिशाचनी के कपड़े ना तो कभी भद्दे होते हैं और ना ही कभी जलते हैं। और उसको ये भी याद आता है कि अगर पिशाचनी के कपड़ों को जला दिया जाए तो पिशाचनी को तुरंत खबर लग जाती है और वो वहाँ आ जाती है। तो पवित्रा उसके दुपट्टे में आग लगा देती है। कुछ समय के लिए लगता है कि शायद पिशाचनी आएगी, लेकिन तभी पवित्रा के नानू की आवाज़ उसके कान में गूंजती है और कहते हैं कि अगर पिशाचनी के कपड़े जलने पर भी ना आए तो इसका मतलब वो वहाँ से जा चुकी है। इस बात का पता रॉकी के चाचू और चाची को लगता है और वो खुश हो जाते हैं कि आखिरकार पिशाचनी कि अब हमें गुलामी नहीं करनी होगी और पिशाचनी हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है। लेकिन रॉकी के चाचा अभी भी ये सोच रहे कि आखिरकार वो बॉक्स गया तो गया कहाँ और पिशाचनी गई कहाँ, इस बार उसने किसे मोहरा बनाया। पहले सोचता है कि शायद बाबूजी को, फिर कहता है कि नहीं वो उसके बहकावे में नहीं आएंगे, तो आखिर कौन। तो हम आपको बता दें कि इस बार पिशाचनी ने रॉकी की बहन को मोहरा बनाया है जिसके चेहरे पर दाग है। उसने इस बात का लालच दिया कि मैं तुम्हारे चेहरे से सारे दाग धब्बे गायब कर दूंगी, तो इसीलिए रॉकी की बहन उस बॉक्स को छुपा कर वापस बरेली लेकर जा रही है। तो अब पिशाचनी वापस बरेली पहुंच चुकी है, तो अब देखना ये होगा कि वहां पर आकर वो राजपूत परिवार के साथ क्या करने वाली है। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये बताएं कि क्या रॉकी की बहन ने सही किया, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।